एवरीवन, इट्स मी आज मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो कि है हमारा फेस रिजर्व। तो हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा फेस है वो क्लियर रहे, और जो भी हम मेकअप करें तो वो पैचेस की जैसा एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो जाए। हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, फ्लॉलेस हो, या फिर जो भी हम स्किन केयर करें वो हमारी स्किन पर अच्छे से सेट हो जाए। तो जो हमारे फेस पर छोटे मोटे हेयर्स होते हैं ना, वो इन सभी में थोड़ा बहुत रुकावट बन जाता है। और आजकल तो फेस थ्रेडिंग, फेस वैक्सिंग और बहुत सारे तरह की चीज़ें होती है, तो उन सब में थोड़ा सा पेन भी होता है। तो मैं आज आप लोग के साथ ये फेस रेजर शेयर करने वाली हूँ। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसे मैं खुद परचेज की हूँ पर्सनली अपने यूज़ के लिए। और मेन थिंग ये है कि मैं फर्स्ट टाइम इसे अपने फेस पर अप्लाई करने जा रही हूँ। आज तक मैंने अपने फेस पर किसी तरीके की कोई ट्रीटमेंट पार्लर से या फिर किसी भी सैलॉन से नहीं कराई हूँ, तो देखती हूँ ये किस तरीके से मेरे फेस पर वर्क करता है। इसे मैं परचेज की हूँ नाइका से, और इसमें हमें 3 रेजर्स देते हैं। तो इस तरीके से कुछ 3 रेजर्स हमें रिसीव होंगे, और ये मेरे ख्याल से जापान, मेड इन जापान का है। लेट मी शो, मेड इन वियतनाम। और वियतनाम अब कहाँ है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से ये जापान का ही, हाँ मेड इन जापान इस पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ। तो ये मत बोला कि चाइनीज को सपोर्ट कर रही हो या फिर कुछ भी, तो नहीं, चाइना को बिल्कुल ही बॉयकॉट कर रहे हैं, और ये जापान का बना हुआ है। तो हम अपने फेस पर देखते हैं किस तरीके से इसे वर्क कराना है। फेस पर यूज़ करो तो मेक श्योर कि आपके फेस पर किसी तरीके की कोई भी मेकअप नहीं होनी चाहिए। मेरे फेस पर अभी कोई भी मेकअप नहीं है, कोई भी बेस नहीं है, कोई कॉम्पैक्ट, कोई बीबी, कोई सीसी, कोई फाउंडेशन, कुछ भी नहीं है। उसके बाद तब अब मैं अभी इसे अपने फेस पर यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं इसे नाइका से परचेज की हूँ। नाइका पर आप लोग को मिल जाएगा ऑफर में, आप लोग को काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये 300 के अराउंड में मुझे पड़ा है। 300 में 3 रेजर्स मुझे मिले हैं, और इस तरीके से पैकिंग में आता है। मेन थिंग कि ये बहुत ही अच्छे कैप के साथ हमें रिसीव होता है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरीके से ये कैप है हमारा, ऐसे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये इस तरीके से, और इसमें ये जो है, तो ये ब्लेड को ना सेपरेट किया हुआ है कि आपके फेस पर किसी तरीके का कोई कटवट नहीं आए। और इसमें 3 बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर हमें रिसीव हो रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा। एक रेजर आपका आराम से काफ़ी दिन तक चल जाएगा, बस आपको क्लीन रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसे अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो कि किस तरीके से रेजर का यूज़ करना है, तो आप इसके यूज़ से अपने आईब्रो को भी अच्छे से सेट कर सकते हो। और मैं तो ऑल ओवर फेस को करने वाली हूँ अभी जस्ट आपके सामने। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, रेजर के साथ साथ 2-3 और बेसिक चीज़ें हमें चाहिए अपने फेस के लिए। हमें एक मिरर चाहिए जिससे हम लोग आराम से क्लोजअप में देख करके कर सकें, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग हमें चाहिए एक एलोवेरा जेल। आप लोग किसी भी ब्रांड के एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो आपके फेस पर सूटेबल होना चाहिए। थर्ड थिंग हमें टिश्यू पेपर चाहिए, कुछ टिश्यू चाहिए, ताकि हम इस रेजर पर जितने भी हमारे स्किन के टिश्यू आ गए होंगे या फिर जो भी हेयर्स आए रहेंगे, उन सभी को इसे वाइप अप करते जाएंगे, तब जाकर के हमारा रेजर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आप पहली बार आए हो, मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना आज का ये वीडियो, इस रेजर को किस तरीके से यूज करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पूरे के पूरे जो भी हेयर हैं उन सभी को आराम से सेपरेट कर लेना है, एक जगह पे कर लेना है, मेस नहीं रखना है। वरना क्या होगा कि फेस के साथ साथ आपके कुछ हेयर भी टूट सकते हैं, कट हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किस तरीके से कहाँ कहाँ करना है। तो मैं एक आईब्रो फिलिंग पेंसिल ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इधर से आउटलाइन करूँगी, ताकि जो मेरा अपर लाइन है इधर का बहुत ज़्यादा ऊपर से शेप ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर से क्लीन नहीं हो जाए। इसलिए मैं यहाँ से एक लाइन पहले ड्रॉ करूँगी, उसके नीचे में ही मैं जो क्लीन करना होगा वो क्लीन करूँगी। तो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर की ये पेंसिल ले रही हूँ। इससे पहले मैं यहाँ आपका आउटलाइन कर दूँगी कि मुझे कहाँ का क्लीन करना है बहुत ज़्यादा, तो देख देख करके, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे जो हेयर है वो हेयर में टच नहीं होना चाहिए फेस के हेयर में, और यहाँ का ये भी क्लीन होगा। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आते हुए हम लोग नीचे का अपना नॉर्मली कर लेंगे। बट मेन थिंग फॉरहेड का प्रॉब्लम होता है, फॉरहेड के साथ साथ बस हमारे सर के बाल भी नहीं निकल जाएँ, इसी चीज़ का प्रॉब्लम लगता है। और मैं यहाँ से करूँ, ये भी हेयर है बट ये मेरे सर में ही चल जाएगा, तो आउटलाइन इसलिए मैं इसको यहीं से कर रही हूँ। तो जिस तरीके से कॉन्ट्रोल करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। और ये सभी जितने भी ये सब छोटे छोटे बाल हैं, ये सभी भी हटेंगे, इन सबको भी हटाना है। इधर से आप पूरा क्लियर कर लेना। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्टेप, जो कि है हमारा एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ, इसमें से कुछ ड्रॉप मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। तो लाइक दैट मैं इसमें से 2 ड्रॉप ले लेती हूँ,
कोई भी एलोवेरा जेल नहीं है तो आप प्लांट वाले एलोवेरा जेल कभी यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आईब्रो के पास शेव करते हो ना तो बहुत ज्यादा ध्यान से शेव करना यार, क्योंकि अगर आईब्रो खराब हो जाएगा तो आप सब जानते हो कि पूरा पूरा फेस का लुक हमारा खराब हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले इसको यूज कर ले रही हूँ एलोवेरा जेल को काफी अच्छे तरीके से। सो गाइज, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कैसे स्टार्ट करना है। तो ये मैं ब्लेड्स ले रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इससे अपने फेस को स्टार्ट करेंगे शेव करना। तो आप पहले आउटलाइन ज़रूर से बना लेना, उससे बहुत ही अच्छे से एक आइडिया मिल जाता है ये कहाँ का शेव करना है, कहाँ पर रेज़र यूज़ करना है। तो पहले मैं बहुत ही धीरे धीरे यूज़ कर रही थी क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था यार कि किस तरीके से शेव करना है। और हाँ, ऑपोजिट साइड से शेव नहीं करेंगे, जिस साइड में हमारा हेयर का जो लेयर होता है ना उसी साइड में शेव करेंगे। और ये मेरा नेचुरल स्किन कलर है, आप लोग देख सकते हो, ये एग्जैक्टली मेरा स्किन टोन है, एग्जैक्टली मेरा फेस ऐसे ही है। तो पहले मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन था, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स था, बट अब मेरा फेस लगभग काफ़ी फेयर हो चुका है। फेयर तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, फेयर भी हुआ है, टोन भी क्लियर हुआ है, और थोड़ा सा मेरे फेस पर जो पैचेस वगैरह थे वो सभी भी क्लियर हुए हैं। और नीचे मैं आपको एक बड़ा सा मोन्स दिख रहा होगा जो कि मेरे फेस पर एक मोन्स है। और इसको अप्लाई करने से पहले आप लोग देखना कि आपके फेस पर किसी तरीके का कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर मेकअप रहेगा तो आपको एलर्जी क्रिएट हो सकता है, और बार बार रेज़र को इस तरीके से साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग बार बार इसे साफ नहीं करोगे तो फिर ये आपका रेज़र काम नहीं करेगा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप लोग यहाँ पर सिरम का भी यूज़ कर सकते हो, अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो। और अगर आप लोग पास सिरम नहीं है तो आप लोग एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, और पहले मैं सोचती थी कि शायद शेव करने से पहले सोप का या फिर किसी फोम का यूज़ करना होगा, बट नहीं। और ये रेज़र बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, बहुत ही ईजी वे में आप लोग इस रेज़र को यूज़ कर सकते हो। जब आईब्रो के पास करना तो काफ़ी स्लो करना यार, क्योंकि अगर आईब्रो पर ज़रा सा भी कट वट हो जाएगा, आईब्रो उड़ जाएगा, तो पूरे के पूरे फेस का लुक चेंज हो सकता है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसा आप सभी जानते हो कि आईब्रो से हमारे फेस का लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम लोग हमेशा टाइम टू टाइम आईब्रो पर कोई भी एक्स्ट्रा हेयर्स नहीं चाहते हैं। आजकल तो फेस हेयर को हटाने के लिए बहुत सारे ट्रिक आ गए हैं, लेज़र ट्रिकिंग आ गए हैं, और ना जाने कितने कितने वैक्सिंग भी आ चुके हैं। वैक्सिंग तो खैर बहुत पहले से ही था। इस तरीके से ना आप लोग जब रेज करना तो जो नेक एरिया का हेयर होता है उसे भी हटा लेना। और मुझे ज़रा लग रहा था कि मेरे फेस पर रेड रेड रैशेज आ रहे थे, जैसा आप लोग देख सकते हो। तो हाँ, थोड़ा सा रैशेज मेरे को आ गए थे, और बहुत ज़्यादा टच करने पर ना आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट डे तो आपको स्मूथ फील आएगा, बट सेकेंड डे से आपको टच करने पे कोई भी स्मूथ फील नहीं आएगा। जिस तरीके से मेंस अपने दाढ़ी को बनाते हैं, उसके बाद जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग टच करोगे तो जिस तरीके से उन्हें दाढ़ी बियर्ड शेप का जो फील आता है वैसे ही फील आएगा, क्योंकि ये तो हमारा जड़ से नहीं निकला है, ये सिर्फ और सिर्फ रेजर से। सो गाइस, फेस के मैंने पूरे पूरे हेयर को क्लीन कर लिए हैं, आपको मैं क्लोजअप से दिखा दूँ। यहाँ पर अभी सारे सारे हेयर लगे हुए हैं, तो इन सभी को अभी क्लीन करना है, मैं वॉश करूँगी। और अपने फेस के हेयर को क्लीन करते के टाइम मैंने दो बार अपने फेस को वॉश किया, क्योंकि बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा फेस पे आ जा रहे थे। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप से दिखा रही हूँ कि अभी मेरे फेस का क्या हाल है। ऐसे ऑल ओवर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, फॉरहेड भी काफ़ी क्लीन लग रहा है, अपर लिप भी काफ़ी क्लीन लग रहा है, वो भी पेनलेस है यार। और ऐसा नहीं है कि आपके मेरा लिपस्टिक थोड़ा सा स्मज हो गया है, तो इसे मैनेज कर लेना है। कपड़े बहुत अच्छे क्लीन हो गए हैं, अभी थोड़ा हेयर धीरे। ओके, तो आप लोग देख सकते हो, और अब मेरा फेस बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है। जैसे कि हेयर होते हैं फेस पर तो ज़्यादा क्लियर नहीं लगता है, क्लियर होने के बाद बट आपको बहुत अच्छा क्लियर लग रहा है। अब मैं सबको रिमूव कर दूँगी, सब फिर अपने फेस को अच्छे से वॉश कर दूँगी, फिर मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताती हूँ, क्योंकि प्रोसेस यहीं पर हमें स्टॉप नहीं करना है। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।